हेलो फ्रेंड्स आप सभी का साइंस एक्सप्लोर्ड में स्वागत है हमने पिछले वीडियो में जॉइंट्स के टाइप्स डिस्कस किए थे आज हम उसी से रिलेटेड और एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिन दो बोन्स के वजह से जॉइंट बनते हैं उन बोन्स के बीच में एक सब्सटेंस होता है और उस सब्सटेंस का नाम है कार्टिलेज अब ये कार्टिलेज क्या होता है यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज हम कार्टिलेज के टाइप्स और उसके फंक्शन डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में कार्टिलेज डैमेज होने के क्या रीजन हो सकते हैं ये भी जान लेंगे सो व्हाट इज कार्टिलेज कार्टिलेज इज अस्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स जॉइंट्स एंड बोन्स मीन्स कार्टिलेज ये स्ट्रोंग और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है ये कुशन जैसे काम करता है मतलब ये दो बोन्स के बीच में होता है जिससे दो बोन्स फ्रिक्शन नहीं कर पाएंगे और बोन्स ये प्रोटेक्टेड रहेंगे जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये है एक बोन और ये होगा दूसरा बोन तो इन दोनों बोन्स ने जॉइंट बनाया है अब इन दोनों बोन के बीच में ये कार्टिलेज है ताकि ये दोनों बोन्स डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सके और इसी वजह से ये दो बोन फ्रिक्शन नहीं कर पाएंगे और हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं तो कार्टिलेज ये कुशन जैसे ही काम करता है अभी हम कार्टिलेज का क्या काम होता है ये देखेंगे सो फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज तो कार्टिलेज का सबसे पहला फंक्शन है एब्सॉर्बिंग शॉक कार्टिलेज ये दो बोन्स के बीच में होने के वजह से ये शॉक एब्सॉर्बर का काम करता है मींस अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई होता है तब ये कार्टिलेज उस फोर्स को एब्सॉर्व कर लेगा हेंस बोन्स ये डैमेज नहीं होंगे सेकेंड जो इसका फंक्शन है वो है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन कार्टिलेज ये ल्यूब्रिकेशन का काम करता है मतलब दो बोन्स को स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे जॉइंट्स में फ्रिक्शन नहीं होगा हम सिंपल वर्ड में ऐसा भी बोल सकते हैं कि कार्टिलेज ये दो बोन्स के बीच में ऑयलिंग का काम करता है ताकि ताकि दो बोन्स में घिसाव ना हो और हम नॉर्मली काम कर सकें थर्ड कार्टिलेज का फंक्शन है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन योर बॉडी मीन्स ये बॉडी का शेप मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है कार्टिलेज ये ऑलमोस्ट सभी जॉइंट्स में होता है ऑल्सो ये नोज ईयर विंड पाइप इसे भी बनाता है चलिए अभी हम कार्टिलेज के टाइप्स डिस्कस करेंगे कार्टिलेज के तीन टाइप्स होते हैं पहला है इलास्टिक कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबल नेचर का है दूसरा कार्टिलेज का टाइप है हाईलाइन कार्टिलेज ये भी फ्लेक्सिबल नेचर का है बट ये इलास्टिक कार्टिलेज से थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होता है और थर्ड कार्टिलेज का टाइप है फाइब्रो कार्टिलेज इसके पास कोई इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो चलिए अभी हम इन ही तीनों टाइप को वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबसे पहले देखेंगे इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है और ये किस पार्ट में प्रेजेंट होता है इलास्टिक कार्टिलेज इज मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज मतलब ये लचीला कार्टिलेज है जो इसके नाम से ही पता चलता है सेकेंड इसका पॉइंट है इट सपोर्ट्स द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट नीड टू बेंड एंड मूव टू फंक्शन तो ये कुछ बॉडी पार्ट को बेंड करने में भी हेल्प करता है और बेंड होने के बाद ये फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल ईयर जिसे हम पिन्ना कहते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि अगर एक्सटर्नल ईयर जो है मतलब ये जो पार्ट है ये अगर हम बेंड करते भी है तो अगर उसे छोड़ने के बाद वो फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है तो इस वजह से हम ये पॉइंट बोल सकते हैं कि इलास्टिक कार्टिलेज कैन बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप इवन आफ्टर अ स्ट्रांग फोर्स अब हम कितना भी अगर फोर्स वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ईयर पिन्ना नॉर्मल पोजिशन पे चला जाएगा सो इलास्टिक कार्टिलेज ये कहाँ पे दिखेगा एक्सटर्नल ईयर में ऑल्सो इलास्टिक कार्टिलेज ये यूस्टेशियन ट्यूब में भी होता है अब ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या है तो यहाँ पे देखिए ये है यूस्टेशियन ट्यूब ये साउंड कैरी करती है टूअर्ड्स ब्रेन और लास्टली इलास्टिक कार्टिलेज ये लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं यहाँ पे भी इलास्टिक कार्टिलेज होता है इलास्टिक कार्टिलेज को येलो कार्टिलेज भी कहा जाता है तो येलो कार्टिलेज का लोकेशन क्या हुआ एक्सटर्नल ईयर यूस्टेशियन ट्यूब और लैरिंग्स अभी हम कार्टिलेज का दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे जो कि है हाइलाइन कार्टिलेज हाईलाइन कार्टिलेज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज इन अवर बॉडी तो ये बहुत ज्यादा कॉमन टाइप का कार्टिलेज है जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहा जाता है तो जहां जहां पे जॉइंट है तो मोस्ट ऑफ द जॉइंट के पास ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसे हाईलाइन कार्टिलेज कहते हैं तो ये प्रेजेंट रहेगा इट लाइज द जॉइंट्स एंड कैप्स द एंड ऑफ द बोन्स मतलब ये बोन्स के एंड पे कैपिंग का, का काम करता है हाईलाइन कार्टिलेज ये नेचर से स्मूथ है और इसी वजह से बोन्स स्मूथली हमें मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं हाईलाइन कार्टिलेज ये इलास्टिक कार्टिलेज से थोड़े कम फ्लेक्सिबल होते हैं सो फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ हाईलाइन कार्टिलेज ये दो बोन्स को एक ही जगह पे होल्ड करने में भी हेल्प करता है सो so, इसका लोकेशन कहां पे है मतलब ये कहां पे होते हैं तो सबसे पहला है एट द एंड ऑफ बोन्स दैट फॉर्म्स ज्वाइंट तो जहाँ पे जॉइंट्स रहेगा वहाँ उस बोन के एंड पे ये हाइलाइन कार्टिलेज रहेगा जैसे कि सपोज ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है तो इन दो बोन के एंड पे मतलब इस पोजीशन पे ये कार्टिलेज रहेगा सो हाइलाइन कार्टिलेज ये दो बोन्स के एंड पे रहेगा दूसरा इसका लोकेशन है बिटवीन रिप्स तो अगर ये एक रिब है तो ये रीप इस बीच वाले बोन के साथ जॉइंट हो रही है तो ये जो बीच वाला बोन है उसे स्टर्नम कहेंगे तो ये रीप स्टर्नम के साथ जहां पे जॉइनिंग कर रही है तो उस जॉइंट को बनाने के लिए कोस्टल कार्टिलेज चाहिए अब ये कोस्टल कार्टिलेज क्या है तो कोस्टल कार्टिलेज ये हाइलाइन कार्टिलेज का बार है मतलब ये जो रिब है और ये जो स्टर्नम है यहाँ पे जो येलो पोर्शन है वो हाइलाइन कार्टिलेज ही है और हाइलाइन कार्टिलेज से आगे जो बार निकलेगा उसे कोस्टल कार्टिलेज कहा है बट बेसिकली यहाँ पे जो जॉइनिंग है तो वो जॉइनिंग करने का काम ये हाई कार्टिलेज ही कहते हैं और लास्ट इसका लोकेशन है नेजल पैसेज तो नेजल पैसेज में में भी हाईलाइन कार्टिलेज ही रहेगा कार्टिलेज का थर्ड और लास्ट टाइप है फाइब्रोकार्टिलेज। ये कार्टिलेज तीनों कार्टिलेज के टाइप में से सबसे ज्यादा टफ और स्ट्रांगेस्ट कार्टिलेज है और ये ठीक फाइबर से बना है और तीनों कार्टिलेज से सबसे कम फ्लेक्सिबल भी फाइब्रोकार्टिलेज है ये इतना ज्यादा टफ है कि यह दो बोन्स को एक ही जगह पे होल्ड करके रख सकता है अब फाइब्रोकार्टिलेज का लोकेशन कहाँ पे है मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट है तो ये दो वर्टिब्रल डिस्क के बीच में होता है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो दूसरा इसका लोकेशन है मिनिस्कस इन नी मिनिस्कस ये टफ और रबरी कार्टिलेज है जो फ्यूमर और टिबिया के बीच में होता है फ्यूमर दैट मीन्स थाई बोन और टिबिया दैट मीन्स शिन बोन तो इस डायग्राम में देखिए ये ऊपर वाला फ्यूमर है और ये नीचे वाला टिबिया है तो इन दो बोन्स के बीच में यहाँ पे ये कार्टिलेज है तो मिनिस्कस ये फाइब्रो कार्टिलेज का ही एक टाइप है तीसरा इसका लोकेशन है प्यूबिक सिम्फाइसिस अब प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब क्या है तो जो कॉक्सेल बोन है मतलब ये जो हिप बोन है हिप बोन को कॉक्सेल बोन भी कहते हैं तो कॉक्सेल बोन को जहाँ पे जॉइनिंग बनाया है ये वाला जो जॉइनिंग है जिसे प्यूबिक सिंफेसिस कहते हैं तो प्यूबिक सिंफेस ये फाइब्रो कार्टिलेज से ही बना है तो प्यूबिक सिम्फेसिस में भी कार्टिलेज कौन सा रहेगा फाइब्रो कार्टिलेज रहेगा तो ये हुई उनकी लोकेशन तो अभी हमने इलास्टिक कार्टिलेज हाईलाइन कार्टिलेज और कार्टिलेज क्या होते हैं उनके लोकेशन क्या है ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम देखेंगे कार्टिलेज किस वजह से डैमेज हो सकता है तो पहला रीजन हो सकता है इंजुरी किसी स्पोर्ट इंजुरी या फिर एक्सीडेंटली कार्टिलेज डैमेज हो सकता है सेकेंड रीजन हो सकता है ये बोन का एक डिसऑर्डर है जिसमें बढ़ती उम्र में कार्टिलेज भी डीजनरेट हो जाता है मतलब कार्टिलेज जॉइंट से धीरे धीरे निकलने लगता है और इस कंडीशन को हम आर्थराइटिस कहेंगे थर्ड रीजन हो सकता है हर्निएटेड डिस्क इसे स्लिप्ड, रप्चर और बल्जिंग डिस्क भी कहा जाता है इसमें वर्टिब्रल डिस्क में से कार्टिलेज बाहर सरकने लगता है तो ये हुआ हर्निएटेड डिस्क कार्टिलेज देखने के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, एम आर स्कैन ऑर्थ्रोस्कोपी तो एम जो है इसमें हमेशा ही कार्टिलेज डैमेज डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है बट फिर भी एम आर ये टेस्ट कार्टिलेज देखने के लिए होती है ये जो आर्थ्रोस्कोपी है तो आर्थ्रोस्कोपी क्या है इस टेस्ट के लिए ऑर्थ्रोस्कोप नाम का ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट जॉइंट में इंसर्ट किया जाता है टू एग्जामिन एंड रिपेयर ऑफ कार्टिलेज तो ये कुछ टेस्ट होते हैं कार्टिलेज डिटेक्ट करने के लिए तो आज हमने कार्टिलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले ली है हमने देखा है कि कार्टिलेज क्या है उसके टाइप्स क्या होते हैं उसका लोकेशन क्या है उसके फंक्शन क्या है तो अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू